अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। उसको आपने किस तरह कंप्लीट करना है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीयू खानपुर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा YouTube के ऊपर। तो इसी के ऊपर ही हमारी सारी वीडियोस आती हैं। तो चलते हैं हम इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। और सबसे पहले आपने LMS ओपन कर लेना है। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है इसी स्प्रिंग 2023 में, और इसके अलावा अगर किसी का कोई पेंडिंग बचा हुआ है ये वाला सब्जेक्ट VU001, तो उसको कंप्लीट करना है। ये इतना ज़रूरी है कि इसकी वजह से अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपकी कोर्स सिलेक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। वो इसलिए कि अगर आप चाहें कि आप एक सेमेस्टर में 21 क्रेडिट आवर यानी 7 सब्जेक्ट रखना चाहें और आपका भी VU001 सब्जेक्ट पास ही नहीं हुआ, तो फिर वो टोटल क्रेडिट आवर आपके 22 बन जाएंगे, तो 22 अलाउड नहीं होते। LMS IDs आ रहे हैं क्योंकि हम बार बार स्टूडेंट को खोलते रहते हैं, तो उसमें सेव हो गया। इस वजह से फौरी तौर पर इसको आप 1 से 2 दिनों में कंप्लीट कर लें। जैसे ही आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद अंडरस्टैंड करें, उसको कंप्लीट कर लें ताकि आपका जो फोकस है वो बाकी सब्जेक्ट के ऊपर हो। क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके LMS होम पेज के ऊपर शो हो रहे होंगे उन सब की असाइनमेंट आनी है, क्विज आनी है, GDPs और सारी चीज़ें इन्हीं सारे सब्जेक्ट की आनी है। लेकिन VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, इसका कोई पेपर, कोई असाइनमेंट, कोई क्विज या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसमें जस्ट 12 से 13 वीडियोस होती हैं जो आपने कंप्लीट करनी है, और ये कंप्लीट करना इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप इसको पास नहीं करते ये आपके हर सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली आता जाएगा। और अगर आपने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए, सिर्फ VU001 को इग्नोर किए रखा, तो जब तक आप एक सेमेस्टर में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो फौरी तौर पर आप जो है VU001 को ओपन करने के बाद इसकी जो वीडियोस हैं वो देखना शुरू करें। वीडियोस कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक नजर आ रहा है वन। वन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसका कोई एक अभी तक लेक्चर चला है। इसके लेक्चर तब तक नहीं चलेंगे जब तक आप इसको एक लेक्चर को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नाम को क्लिक करें। नाम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो ड्यूरेशन है, टोटल जो आपका सब्जेक्ट वीडियोज हैं वो 2 वीक्स में कंप्लीट की गई है। तो आपने आप चाहें तो इसको आप 2 दिनों में भी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपने वीक 1 को क्लिक करना है। वीक 1 के बाद जब ये आप कंप्लीट करेंगे, इसमें 7 टोटल लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप देखेंगे, तो फिर आप 7 सेकेंड वीक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हर वीडियो के ऊपर जब आप यहाँ पे देखें तो आपको जस्ट उसका नाम और यहाँ पे उसकी जो नंबरिंग है वो शो हो रही है। यहाँ पे कोई ग्रीन टिक लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि द ग्रीन टिक शोज दैट यू हैव स्टडीज द सेट लेसन टॉपिक्स। जब आप उसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर उस वीडियो के बाहर टिक लग जाता है जो समझ लें कि इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस काउंट होगी। क्या करना है आपने, जब इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लिया तो फिर आपने इस लिस्ट में सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ हो टू स्टार्ट एंड कम्प्लीट दिस कोर्स वो आपने कंप्लीट करना है। इसको क्लिक करें तो इस जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यही बताया गया है कि हर वीडियोस में आपको 2-2 से 3-3 मिलेंगे टैब्स, यानी कि रीडिंग का, वीडियो का। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे यहाँ पे वीडियो, रीडिंग और पोस्ट असेसमेंट का टैब होगा, वो आपने जितने भी होंगे कंप्लीट करने हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो इसको इसको तो जस्ट आपने समझ लेना है, और जैसे ही आप समझेंगे अगर हम यहाँ से बैक वापस जाते हैं तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्या फर्क नजर आता है।
यहाँ पे देखें, हमने उसको जाके ओपन किया और यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया। असल जो वीडियोस चलनी है, पहले ही तो वीडियोस जो पीपीटीज थी उसमें जस्ट बताया गया था कि आपने इसको कंप्लीट किस तरह करना है। अब सेकंड वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड वीडियो को ओपन करते हैं और इस तरह वन बाई वन हर वीडियो के बाहर टिक लगता जाएगा और आपका ये VU001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग कम्प्लीट हो जाएगा। अब जो स्क्रीन आपके सामने है वहां पे देखें तो वीडियोस हैं, रीडिंग है, पोस्ट असेसमेंट है और इस साइड के ऊपर नॉट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जब वीडियो देखेंगे उसके बाद ही यहाँ पे व्यू आ जाएगा, ग्रीन टिक लग जाएगा। टैबलेट यहाँ तक कि इंटरनेट से मुंसलिक सेलुलर फोन जैसे, अगर आप नीचे आ जाएं तो फिर टोटल जो वीडियो का टाइम है वो 7 मिनट 31 सेकंड है और यहाँ पे लिखा गया है अगर आप इस 7 मिनट 31 सेकंड में 25% भी देख लेते हैं, यानी 3 मिनट के करीब, 2.5 मिनट के करीब, तो फिर आपकी ये वीडियो भी काउंट हो जाएगी कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। The use of technology for learning in or outside of a classroom. और मेरी ये सजेशन है कि आप इन वीडियोस को बजाय ये 25% ही आप देखें, कंप्लीट देखें आपको, ताकि आपको ना वीयू का जो सारा सिस्टम है वो समझ आ जाए। मीडिया बशमूल इंटरनेट, ऑडियो या फिर वीडियो के जरिए तलबा और मुलाजिमीन को तालीम और तरबियत की फराहमी को भी ई लर्निंग का नाम दिया जाता है। ई लर्निंग की अकसाम, आमतौर पर ई लर्निंग दो तरह की होती है, एसिंक्रोनस ई लर्निंग और सिंक्रोनस ई लर्निंग। मैं इसकी जो वीडियोस हैं वो डाउनलोड भी कर लेता हूं, आप चैनल पे डाल दूंगा ताकि आपको अगर उसमें आप देखें और उसमें जो मालूमात हैं वो आपको मिलें और आप उससे सीख सकें। तो हम यहां नीचे देख रहे हैं कि हमारा जो टाइम है वो चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको टाइम और वीडियो दोनों नजर आए साथ साथ। यहाँ पे देखें टाइम है और यहाँ पे इस साइड पे नॉट व्यू आ रहा है, जहाँ पे हमारा मैं तकरीबन को 2.5 मिनट के करीब चल जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद ही फिर हम रीडिंग का टैब और पोस्ट असेसमेंट का टैब कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप इसको आराम से सारी वीडियो को सुने और यहाँ देखें कि 2 मिनट के ऊपर ये व्यू आ चुका था। अब चाहें तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएं या चाहें तो आप इसको कंप्लीट सुने मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब हम रीडिंग के टैब के ऊपर जाएंगे, इसको जस्ट 2 सेकंड चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने क्या करना है इसको सारी चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपको मालूमात सारी मिल जाएंगी और आपके इलम में इजाफा होगा। इसके बाद थर्ड टैब है पोस्ट असेसमेंट, इसमें क्या होता है कि क्विज होता है, इसको यहाँ पे लिखा है नॉट कम्प्लीटेड और इस साइड पे टेक क्विज, इसको हमने क्लिक करना है और टोटल जो टोटल क्वेश्चन है इसमें 7 है, टोटल मिनट इसमें 7 है और यहाँ से हम स्टार्ट क्विज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन है और नीचे उसके आंसर्स हैं, तो हम इसमें से एक एक लगाते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ गलत या सही अगर हो भी जाए तो आप का इससे कोई आपके रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इसको रेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सारे जो भी ऑप्शन सामने आया था उसको क्लिक करने के बाद सबमिट कर दिया है और हमारा जो टैब था वो कम्प्लीट हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ दोबारा से यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पर देखें हमारे 2 वीडियोज़ कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड वीडियो के ऊपर आएँ, नाम को क्लिक करेंगे, नाम को क्लिक करने के बाद उसके अंदर हम ओपन आ जाएंगे तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन है वो आप लाजमी सुने और यहाँ पे भी आपको 3 टैब नज़र आ रहे हैं, वीडियो है, रीडिंग है, पोस्ट असेसमेंट है और इसी तरह नॉट व्यूड आ रहा है। जैसे ही कंप्लीट करेंगे इसको, यह भी 6 मिनट है, यानी कि कम अज़ कम 1 मिनट 30 सेकेंड आपको ये वीडियो देखनी है तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा। और इस तरह ये आप VU001 को कंप्लीट कर सकते हैं, इसको भी कंप्लीट करें और जो बाकी लेक्चर्स हैं आपके जिनमें अटेंडेंस लाजमी है उनको भी देखना, इसी तरह ही होता है।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन मिलने पे हम आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी के रेवोल्यूशनरी एजुकेशन सिस्टम के जरिए आप न सिर्फ आला तालीम हासिल कर सकेंगे बल्कि अपने प्रोफेशनल करियर में भी बेहतर तौर पर खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान तालीमी मैदान में इनकलाब बरपा कर चुकी है। ये मुल्क की बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है जहाँ 1,00,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात मुख्तलिफ शोबाजात में जेरे तालीम है। यहाँ से फारिग उल तहसील स्टूडेंट मुल्की और गैर मुल्की इदारों में अच्छे ओहदों पर फायज है, जबकि कई एक तो अपने कारोबार बेहतर तौर पर चला रहे हैं। जदीद तकाजों से हम आहंग वीयू की स्टूडेंट एक्टिविटीज मसलन कंपटीशन और मुख्तलिफ स्टूडेंट सोसाइटीज वगैरह भी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर स्टूडेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुआवन साबित कर सकते हैं। उसको जानने के लिए ये आप वीडियो लाजमी देख लें जो वीयू का इंट्रोडक्शन है, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे व्यू आ चुका है और उसके बाद रीडिंग का टैब है, वो जब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता हम अगले टैब के ऊपर नहीं जा सकते। ये भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम थर्ड जो हमारा टैब है पोस्ट असेसमेंट, इसमें क्विज होता है वो हम देखते हैं। अब ये यहाँ देखें कि लेसन हम 3 देख रहे हैं और जैसे ये कम्प्लीट कर लेंगे तो हमारे 3 लेसन के ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा। टेक क्विज 5 क्वेश्चन है, 7 मिनट्स हैं। Which of the following mode is not used by virtual university to publish lectures? TV channels, open sourceware, Facebook के ऊपर जो है ना वो lectures नहीं दिए जाते, बाकी सब पे दिए जाते हैं। The student of virtual university have flexibility है इसको। Virtual university is the federal government university. Virtual University. The Virtual University delivers lectures through only learning management system, only television learning management system and television channels. यहाँ पे देखें सारे हमारे जो आंसर्स हैं वो ठीक हो गए हैं। हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और हमारा टैब जो है ना ये भी कंप्लीट हो गया। अगर हम वापस लेके जाऊँ आपको दिखाऊँ जरा कि इस तरह हमारे कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पे देखें 1, 2 और 3 हमारे लेसन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम ये जो लेसन 4 है इसको भी इसी तरह ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मेरी ये सजेशन है कि आप इन वीडियोस को बजाय इस तरह टाइम 25% देखने के बाद स्किप करें, आप इन सारी वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि आपके आपको जो मालूम यूनिवर्सिटी के बारे में वो आपकी और आपको यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का मौका मिले। टोटल 8 मिनट हैं ये वीडियोस, 2 मिनट देखने के बाद यहाँ पे टिक लग जाएगा। पर लेक्चर देख रहे हो उसी वक्त से पॉज करके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर इसका जवाब आपको ऑफिस आवर्स के दौरान देने की कोशिश इससे आपको मदद मिलती है। स्टूडेंट्स अपना एक स्टडी ग्रुप बना लें और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी से इंटरैक्ट करें और प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करके सॉल्व कर लिया करें। जब आपको असाइनमेंट दी जाए तो इसे आपस में डिस्कस जरूर करें, लेकिन अपनी अपनी असाइनमेंट खुद हल करके सबमिट करें। याद रखें कि असाइनमेंट में चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग के बारे में यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बहुत सख्त है। तो आइए हम आपको LMS के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले हम VU LMS की वेबसाइट ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्टूडेंट ID, पासवर्ड, कीप मी लॉग्ड इन
पर और इसके नीचे साइन इन बटन, उसके नीचे नोटिस बोर्ड पर लेफ्ट साइड पर न्यूज एंड इवेंट्स का सेक्शन। अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में तीन वीडियो हैं और उसके बाद जो फोर्थ टैब है वो रीडिंग का है और फिर पोस्ट असेसमेंट का। यानी आपको इस वीडियो में जो इस लेक्चर्स है हमारा लेक्चर नंबर 4, इसमें आपको चार लेक्चर्स तीन वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं, जो 12 यहाँ पे लेसन हैं, वीडियोस हैं, टोटल 12 लेसन है, फोर्थ कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो आपको वीयू के सिस्टम के बारे में जितनी भी मालूमात होनी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें LMS है, हैंडबुक्स हैं, असाइनमेंट, क्विज, GDPs, सारी की सारी, किस तरह वो सारी आपने ये काम करने हैं। वो असल मकसद जो है ना वीयू 001 कनेक्शन टू ई लर्निंग, तो इसका मकसद यही है कि आपको इस सिस्टम के बारे में सारी मालूमात फ्राहम की जाएँ। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है सारी की सारी तसल्ली से। एक दफ़ा इस तरह ये होगा कि आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको VULMS के बारे में मालूमात भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनका जो भी आंसर होगा वीडियो की शेप में या वहीं आपको कमेंट्स की शेप में आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।